कल्चरल हेरिटेज खोल लीजिए उसको, डाल दिए चित्रकूट कल्चर हेरिटेज, उसमें होगा मोबाइल शेयर, शेयर उसमें होगा चित्रकूट कल्चर हेरिटेज शेयर कर दीजिएगा आपके चित्रकूट कल्चर में। हाँ दोस्तों स्वागत है आपका फेसबुक लाइव में। और काफ़ी दिन हो गए थे, लगभग कोविड के बाद से एक लंबा समय हो गया था कि आपके बीच किसी विषय को लेकर हम नहीं आए, और एक लंबा समय हो गया जब हमने किसी भी विषय को लेकर चर्चा भी नहीं की। ये पेज चित्रकूट का है, चित्रकूट के जो भी सांस्कृतिक विरासत है उनको आप तक पहुंचाने का है। लेकिन पिछले एक दो वर्षों से ये पेज इस चिंतन का भी केंद्र रहा है कि चित्रकूट के उन विषयों को कैसे रोका जाए या उन मुसीबतों को कैसे रोका जाए, उस पर चिंतन कैसे किया जाए जिससे चित्रकूट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, खासतौर पर युवा पीढ़ी को। आप जो भी लोग जुड़ रहे हैं इस लाइव से, इसको बहुत ज़्यादा शेयर करिए, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये विषय नशे का है, और नशे में भी उस नशे का है जो सस्ता नशा है, यानी कि बहुत इजीली जो चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं नशे के रूप में, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे जो और भी तरीके हैं नशे करने के, जो हमारे अभी पैनल में लोग जुड़ेंगे उनसे भी जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा विषय जो हम लगातार खबर कर रहे हैं वो गांजे का है। गांजा इस कदर हावी हो गया है ग्रामीण इलाकों तक कि बहुत ईजली जो पहुंच है वो हो गई है। एक बहुत बड़ा वीडियो हमारे पास है जो मैं आने वाले समय में रिलीज़ करूंगा, जिसमें बच्चे गांजे पी रहे हैं, मतलब गांजा का सेवन बच्चे कर रहे हैं जो कि 8-10 साल के हैं, और वो बता रहे हैं कि कैसे ईजिली लाया जा सकता है, कैसे दुकानों में मिल जाता है। और जब हमने इसका स्टिंग भी किया तो पुलिस की क्या भूमिका है ये भी पता लगी, सियासत की क्या भूमिका है ये भी पता लगी। बहुत सारा एक पूरा सिंडिकेट है जो काम कर रहा है। फिलहाल हमारे पैनल में मैं आपसे रूबरू करा दूँ, हेम नारायण जी हमारे साथ रहेंगे, जैन एक्सप्रेस अखबार की ब्यूरो चीफ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं चित्रकूट के वो जुड़ेंगे, गणेश मिश्र जी सामाजिक चिंतक हैं और लगातार विषयों पर चर्चा भी करते रहते हैं हमारे साथ, आकाश पटेल जी जुड़ेंगे किसान नेता हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से ये नशा नुकसान कर रहा है चित्रकूट के युवाओं को, कैसे उनका भविष्य चौपट कर रहा है। उज्ज्वल जी हमारे साथ होंगे जो अभी नव नियुक्त उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा चित्रकूट के। उज्ज्वल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो, और आपसे भी चर्चा करेंगे, और हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट सचिन जी हैं उनको भी हम जोड़ेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार अपनी तरफ भी कैमरा कर लीजिए। सचिन वंदन जी हमारे जिला संवाददाता हैं, क्राइम स्पेशलिस्ट हैं, और गांजा और जो नशा है उसके सेवन के बाद क्राइम कैसे जन्म लेता है उस पर हम सचिन जी से बात करेंगे। सबसे पहले आकाश जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, किसान पुत्र, क्योंकि ज़्यादातर चित्रकूट या बुंदेलखंड में किसान ही आबादी है, ऐसे में अगर गांजा की पहुंच हो जाएगी या नशे की पहुंच हो जाएगी तो फिर भविष्य का होगा क्या? देखिए आपको अवगत है सब कुछ है, चित्रकूट जिस तरह पावन भूमि कही जाती है, श्री राम जी की कर्म भूमि की जानी जाती है, उस तरह इस समय जो नौजवानों के हालात हैं उन नशे की जो लत है वो काफ़ी गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। और साथ ही ये कहीं ना कहीं आप प्रशासन की नाकामी भी कह सकते हैं। अधिकतर आप देखेंगे कि जो भांग के डिब्बे हैं, जो लाइसेंस जिनकी वैधता लाइसेंस है, जो वैध लाइसेंसी भांग के डिब्बे हैं वहाँ गांजा बिक रहा है, तमाम ऐसे नशीले पदार्थ जो जहरीले पदार्थ हैं बिक रहे हैं। नौजवानों को अशिक्षा, जिस तरह बुंदेलखंड में अशिक्षा रही है, अशिक्षा के कारण सदैव कम उम्र में नशे की लत की आदत पड़ जाती है। ये कैसे पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है? इतना आप किसी घूमते भी होंगे, हर जगह जाते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा सिंडिकेट काम कैसे कर रहा है? कि अगर मान लीजिए इस तरीके का नशा जिले में आ रहा है तो क्या जिम्मेदार लोग देख नहीं पा रहे हैं, या जो अभिभावक है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि काम कैसे कर रहा है? क्योंकि आप जब समाज में जाते होंगे तो आपको दिखता होगा। देखिए इसका मूल कारण जो है वो सीधे से प्रशासन का नाकामी दिखाई दे रही, और प्रशासन की नाकामी इस कदर है कि आप जैसे बगल के सटे प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या अन्य उड़ीसा अन्य जगह से जो गांजे की पुड़िया बनकर आ रही है उसमें प्रशासन सीधे संलिप्त है, और प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी साफ दिख रही। तो अगर बात ये करें कि सत्ता में काबिज है आपकी पार्टी उज्ज्वल जी, ठीक है, और मोदी जी हमेशा कहते रहे कि युवाओं को बचाना है, उनका भविष्य बचाना है, चित्रकूट अगर नशे की चपेट में आएगा तो राम की कर्मनगरी का होगा क्या फिर? भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार
माननीय प्रधानमंत्री जी नशा मुक्ति और युवाओं के आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहे हैं, और मैं देखता रहता हूं योगी जी को भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, और आगे दिन प्रतिदिन वो युवाओं के प्रति सोचते रहते कुछ अच्छा, कैसे उज्ज्वल भविष्य हो, कैसे उनका भविष्य अंधकार से निकल कर के उजागर हो। और ये नशा मैं देखता रहता हूँ कि यहाँ कुछ जगह कच्ची शराब मिलती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं कच्ची शराब का सेवन कर रहे हैं, और कच्ची शराब का सेवन के साथ साथ वही कच्ची शराब में वो लोग जो केमिकल डालते हैं, कच्ची शराब में वो नशे के साथ साथ वो जो केमिकल डालते हैं वो और नुकसानदेह उनको लत लगाती है। और इनका तो व्यापार चलता है, इनको तो कोई नुकसान नहीं है, इनका व्यापार चलता है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, गरीब छोटे छोटे परिवार के बच्चे हैं, गरीब हैं अमीर हैं जो भी है, जो नशा है, नशा गरीब अमीर नहीं देखता, जब नशा लग जाता है तो वो चाहे जहां से पाए जैसे पाए। मैं तो बर्बादी के कई लोगों को देख चुका हूं, अभी मेरे ही कुछ जानने वालों में से 2-3 साल के भी बच्चे थे, नहीं 2-3 साल के नहीं, करीब 5 साल के बच्चे थे, तो 5 साल के बच्चे को मेरे ही सामने आँखों के सामने उनके पिता शराब की लत लगा रहे हैं, और शराब की लत के साथ साथ उसको सिगरेट दे रहे हैं किलो पियो बेटा। तो यही जब सब चीज़ें कुछ माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए, अपने घर परिवार को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे बिगड़े नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य उजागर हो। और आबकारी विभाग से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो कच्ची शराब चल रही है और जो भांग के डिब्बों में, भांग के जो लाइसेंस धारक डिब्बे हैं, तो उनमें ये जो गांजा चल रहा है, ये गांजा, ये जो सूखा नशा है वो मतलब बच्चों का पूरा मानसिक संतुलन ही हिला देता है। बच्चों का क्या, इतना सब पता है, उज्ज्वल जी को पता है, तो यानी कि जागरूक लोगों को पता है, तो अब बात अगर ये आती है जो जानने वाले लोग समझना चाह रहे हैं, फिर इतने बड़े पैमाने पे माल आ कहाँ से रहा है? कि जैसे दूसरे स्टेट, हमने जो खबरें की थी कि दूसरे राज्यों से आ रहा है, कुछ ये भी पता लगा कि बहुत सारे प्रभावशाली लोग हैं जो इस पूरे कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, लगभग लाखों का कारोबार है प्रतिदिन का। क्या उज्ज्वल जी एक युवा बनेंगे जो इस चीज के लिए लड़ने वाले हैं आगे चल के? जी भाई साहब, मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं प्रशासन से अपनी बात रखूँगा, और आपके जरिए भी अपनी बात पहुँचा रहा हूँ, और अपने साथ अब पूरी युवा मोर्चा की टीम लेकर के अपने जिलाध्यक्ष हीरो मिश्रा जी और उपाध्यक्ष महामंत्री जितने भी सब पूरी यूथ मतलब अपनी युवा मोर्चा की टीम लेकर के और माननीय चंद्रप्रकाश खरे जी के नेतृत्व में हम नशा मुक्ति के लिए एक अभियान भी चलाएंगे। और कोशिश हमारी यही है, जो जो आप कह रहे हैं कि ये बाहर से आ रहा है, कुछ जगह तो मैं यही देखता हूँ कि कुछ जगह तो यहाँ खेती भी हो रही है भैया, कुछ जगह तो यहाँ पर क्या करते हैं कि गोपनीय तरीके से गांजे का पेड़ लगाते हैं, जो लोगों को जानकारी में नहीं होता है, जानकारी में छोटी छोटी गलियों में भी कुछ लोग छोटे छोटे पुड़ियों में गांजा बेचते हैं। हाँ, तो वो सब चीजें, हाँ ये सब चीजें। तो अब भाई हेमराज जी आपसे पूछूंगा, क्योंकि पत्रकार एक जिम्मेदार तबका होता है, जन एक्सप्रेस ही लगातार क्यों छाप रहा है, ये एक बड़ा विषय हो सकता है। कि जैसे आपने एक चीज गौर करने की कोशिश की होगी कि जब सारे अगर पेपर उठाए जाएं पिछले एक साल के, तो जन एक्सप्रेस ही क्यों ऐसा अखबार है जो लगातार लिख रहा है कि गांजे का अवैध धंधा है, सिंडिकेट काम कर रहा है, और अखबारों से खबरें छूट क्यों जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज विश्वकर्मा जयंती है, तो सबको पहले बधाई, और इसके बाद हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी जन्मदिन है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात रही गांजा खेती की, बताता हूँ। तो गांजा कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भोले का भक्त है, तो मैं उनसे बता दूँ कि भोले का भक्त कहते हैं भगवान शंकर का प्रसाद है, प्रसाद नहीं है, ये जहर है। और आप, मैं युवाओं, जितने भी युवा भाई अगर साथी देख रहे हों, जिनको भी ये लत लगी हो, तो ये छोड़ दें कि भोले का प्रसाद है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि गांजे की, अनुज जी कह रहे थे कि आप लोग क्यों छापते हैं, हम लोग छापते हैं कि जब हम जाते हैं गांव जाते हैं, वहाँ आज भी आदिवासियों के छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताब और पेन होना चाहिए, उनके हाथों में बीड़ी और चिलिम दिखाई दे रही, तो हमें देख के दुख होता है कि बताइए छोटे से में नशे। और एक दिन मैं चित्रकूट जा रहा था, तो मैं चित्रकूट में लिखा भी था कि नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, कोई नहीं देगा मांगने से। तो नशा नाश क्यों ले जाता है? तो मैं सभी युवा साथियों से यही कहूँ कि, और दूसरी बात है कि गांजा आता कहाँ से? तो गांजा का एक सिंडिकेट है, गांजा तो छत्तीसगढ़ से भी आता है और कई जगह से गांजा आता है, और लोकल स्तर में भी इसकी बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। रह गई बात आबकारी विभाग की,
आबकारी विभाग के जब हम लोग प्रश्न करते हैं तो वो कहता भैया अगर हम लोग गांजा नहीं बेचवाएंगे भांग के ठेके में तो भांग का ठेका ले कौन, कौन भांग खाने वाला बचा ही कौन है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि तो आबकारी विभाग को चाहिए पैसा, वो जहर बेचवाए कुछ ही बेचवाए, हर डिब्बों में इस समय आबकारी विभाग गांजा बेचवा रहा है, शुद्ध गांजा बेचवा रहा है। कार्रवाई किन पर होती है? जो चार पुड़िया लेकर जाता है पीने तो उसको एक किलो लेकर भेज देते हैं जेल, यही कार्रवाई होती है। अभी तो हमने पिछले बार खबर भी निकाला था, यहाँ पकड़ा गया था 118 कुंटल गांजा पकड़ा गया था। तो सबसे बड़ी बात कि वहाँ खेती हो रही थी, अब बीट सिपाही को मालूम तक नहीं था कि खेती कहाँ हो रही है, वहाँ का चौकीदार क्या कर रहा था, वहाँ के पुलिस के सूचना तंत्र वो क्या कर रही थी। तो मैं यही कहूँगा बहुत प्रमुख बात है कि आखिर पन्नों में ऐसी खबरें आती क्यों नहीं, ये बात पूछना चाहता हूं। कैसे पन्नों में, अन्य अखबारों में क्यों खबरें नहीं लगी? नहीं आती हैं, आती हैं, आती हैं, खबरें आती हैं, लेकिन वो पुलिस पुलिस भी बहुत चालाक है, वो डेली निकालती है कि एक किलो गांजे साथ यहाँ पकड़ा गया, दो किलो गांजा वहाँ पकड़ा गया, तीन किलो गांजा वहाँ पकड़ा गया, तो पेपर छापते हैं कि आज यहाँ गांजा पकड़ा गया, वो नहीं छापते गांजा आया कहाँ से। तो मैंने भी कई बार देखा है कि पकड़ा अगर 10 किलो गांजा गया है तो पुलिस को द्वारा बताया एक ही किलो गया, तो वो बाकी 9 किलो जाता कहाँ है, इसकी भी मुझे लगता कहीं ना कहीं काला बाजारी, हाँ जांच होनी चाहिए। मैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो कभी ना कभी बता देते हैं बातों बातों में, तो वो चीज़ें मैं गौर करता हूँ। ये एक विषय हो सकता है। फिलहाल गणेश जी, अगर आप सामाजिक चिंतक हैं तो गांजे की भूमिका क्या है? कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे भी हेमनाथ जी बताया प्रसाद है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई इतना नुकसान नहीं है, लेकिन उस युवा पीढ़ी को क्या नुकसान नहीं है जिसने ऑलरेडी कोविड के बाद से पढ़ाई छोड़ रखी है, समाज से दूर भी है, तो क्या ये कितना बड़ा नुकसान चित्रकूट के लिए होने वाला है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपने लगातार अपने स्तर से भी प्रयास किया और समाज को जागरूक करने का भी प्रयास किया है। अब दूसरी बात यह आती है कि अखबार पढ़ते हुए मैं सोचता हूँ सत्ता का प्रश्न है या काउंटिंग का प्रश्न है कि कितने मर गए। अक्सर प्रशासन इतने बच्चे मरे, इतने किलो पकड़ा गया, तो काउंटिंग करने में व्यस्त पूरी सरकार, जबकि ये विषय काउंटिंग का नहीं है। ये पूरी नौजवान पीढ़ी को खोखला किए दे रहा है, भविष्य को खोखला किया जा रहा है। ये गणित का प्रश्न नहीं है, मानवता का प्रश्न है महोदय। और जिस आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खोखला करने का जाने अनजाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनीति के द्वारा सह दे करके या सिंडिकेट के द्वारा इसका व्यापार करके किसी भी तरीके से अगर किया जा रहा है तो ये अक्षम्य अपराध है। और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। अभी कल ही आपके आज ही के अखबार में, आज या कल के अखबार में, संभवतः ये 9 दिसंबर के अखबार में आया था, 9 सितंबर 2021 जन एक्सप्रेस समाचार पत्र के द्वारा, खुलेआम हो रही प्रतिबंधित गांजे की खेती, अब पुलिस का पड़ा छापा, 118 किलो गांजा बरामद हुआ। अब 118 किलो चित्रकूट की सीमा में घुसा कैसे, पहला प्रश्न। अगर घुस गया तो खेती कौन कर रहा था, दूसरा प्रश्न। भाई कहीं से कहीं, कहीं ना कहीं तो वो पाया होगा, वो खरीदार कौन है, इसका इतना बड़ा व्यापारी कौन है जो इतना बड़ा माल खरीद लेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आखिरकार इसका तस्कर कौन है, और नाक के नीचे खेल हो रहा है। प्रशासन, शासन, सत्ता, सियासत, ये सब मौन क्यों है? आखिरकार चुप्पी कब टूटेगी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आखिरकार चुप्पी कब टूटेगी कि ये 118 किलो, कभी 18 किलो, कभी 3 किलो। तो महोदय, ये गणित का सवाल नहीं है, सिस्टम सियासत का सवाल है। और सिस्टम सियासत अगर यही रहा, यही रवैया रहा, तो आप चौपाल से लेकर के, चूंकि यहाँ इस जनपद में दो ही काम हो रहे हैं, एक तो डंफर और एक जम्फर, डंफर और जम्फर की सरकार। डंफर में बालू की ढुवाई हो रही है, लड़का नौजवान यहाँ का बर्बाद हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। एक इसमें बिंदु बताऊं मैं आपको, और एक बात जम्फर की बात, किसान मरा जा रहा है, बिजली का बिल बेतहाशा आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जम्फर और डंफर की जो सरकार चल रही है, इससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए, मर जाए, नाश हो जाए लड़कन का। और तो और, जुआ की फड़े आज से नहीं है, जो चर्चित क्षेत्र है, नाल बन चल रहा है,
नाले और नाल वाल तो छोड़िए। एक बिंदु में थोड़ा सा, क्योंकि आपसे मैं जानना चाहूंगा, आज हमने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, उन्होंने बहुत एकदम बहुत गंभीरता से भी सुना भी आएगा सकते हैं, बहुत लाइटली उन्होंने जवाब दिया कि अगर 20 लोग नशा कर रहे हैं कहीं पे, 20 लोग कर रहे हैं तो 20 लोग कहीं पढ़ भी रहे होंगे, तो उनका कहना ये था कि समाज में अब युवा जिम्मेदार है अपने बिगड़ने के लिए। आप कितना इत्तेफाक रहते हैं इस बात से कि पुलिस का एक अफसर ये बात बोले, एक व्यक्ति भी अगर नशा कर रहा है तो पुलिस जिम्मेदारी है रोकने की? उनका ये कहना है कि आप, हमें कोई मतलब नहीं है, इसे क्यों रोकें, वो खुद इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, वो युवा, वो अभिभावक जिम्मेदार हो सकते हैं, पुलिस क्यों? देखिए ये बात तो सही है कि अपराध तो हर जगह तो पुलिस नहीं पहुँच सकती है, ये बात सच्चाई है, लेकिन आम आदमी तो नहीं जा सकता ना अपराधी को पकड़ने, ये तो नैतिक कर्तव्य उन्हीं का है ना। मैं चला जाऊं किसी, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, अब मैं उससे लड़ने लगूं तो गांजा ब्याजा था, यह करा था, वह करा था, लड़ पड़ो तो उल्टा मोहना में FIR करा देगा, मेरे नाम वो आपराधिक मुकदमा कायम करा देगा, मारपीट कराएगा और राजनीतिक प्रश्रय होगा, फिर आप अंजाम जानते हैं राजनीतिक प्रश्रय का, तो हमला भी हुआ है कई लोगों के ऊपर, आप लोग जाते हैं आप लोग कवर करने, आप लोग के ऊपर भी तमाम प्रकार के हमले होते हैं, तो आखिरकार आम जनता की जिम्मेदारी जो है, आम जनता अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। और नशे का जो ये है, तो एक तो संगत और रंगत, गलत व्यक्ति के साथ पहुंचा नौजवान यार, थोड़ा ले ले, टेस्ट के चक्कर में वो नशे का आदि हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब SP साहब ने किस नजरिए से कहा, मैं उनके नजर और नजरिए की दाद देता हूं, कौन बचाएगा? हम तो बचाएंगे अपने आप को, हम सामाजिक लोग हैं, 10 लोगों को जागरूक करेंगे, हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान SP महोदय जनपद चित्रकूट से, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कहीं ऐसी संख्या आपको समझ में आवे, ऐसी कहीं घटनाएं सुनने में आवे, तो कम से कम प्रशासन एक्शन ले और कड़ाई से पालन करे, और ये रवैया ना रहे कि नहीं ये सब नौजवानों के मत है, अगर सब कुछ नौजवान के मत्थे छोड़ दिया जाएगा तो फिर अपराध को कौन रोकेगा? फिर सारे लोग अगर शस्त्र ले लेंगे, एक दूसरे के खिलाफ उठा लेंगे, तो फिर अपराध कौन रोकेगा? फिर तो अपराध चरम पे हो जाएगा, और इतना आसान छोड़ो नहीं है कि जो इसका व्यापार करते हैं उनको समझाना आसान है क्या कि भैया सब दुनिया जानती है, सिगरेट के डिब्बे में भी लिखा रहता है कि हानिकारक है, मीडिया में भी लिखा रहता है हानिकारक है, पर कोई मानता है क्या? तो एक तो इसको समाप्त करने का एक प्रयास यही है कि एक तो जन जागरूकता, दूसरा पहलू यह है कि प्रशासन के द्वारा अगर स्टिक हो करके सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक नजीर पेश किया जाए। हमारे चित्रकूट में अभी नजीर नहीं पेश हुई है, अगर नजीर पेश होती तो ये काउंटेबल, मैंने फिर वही आता हूँ, ये गणित का सवाल नहीं मानवता का सवाल है, और मानवता को बचाने के लिए नजीर पेश करनी होगी सरकार को, प्रशासनिक लोगों को। ये जब नजीर की बात आएगी तो हम लोग अपने डिबेट के लास्ट हिस्से में है, नजीर की बात आती है तो फिर नैतिकता की बात भी आती है, तो फिर ये क्यों बात सामने आती है कि पुलिस का भी बंधा हुआ है, सिस्टम का भी बंधा हुआ है, सबका बंधा हुआ, तो जब सबका बंधा है तो फिर जनता का होगा क्या? देखिए आप भैया, आप सही कह रहे हैं, पुलिस बंधी न होती तो आप अधिकतर अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं उज्ज्वल गुप्ता जी, इन्होंने कहा कि जब पुलिस 10 किलो गांजा पकड़ती है और बताती है 1 किलो है, 600 ग्राम है, 800 ग्राम है, इसी में घपला है, घपला तो वही है। और आप एक किसी एक नेता का, आपको भी भाषण याद होगा, उन्होंने बड़े मंच से कहा था कि दिन भर रेप रात भर गांजा, देखना है तो UP में आ जा। आप समझ लीजिए कि ये केवल चित्रकूट की ही बात नहीं, मेरे हिसाब से पूरा प्रदेश नशे से और ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है। तो फिर आपकी सरकार और आपकी पार्टी इस राम की नगरी को कैसे भव्य और दिव्य बनाएगी अगर सब नशे में डूबे रहेंगे तो? जैसे कि भाई साहब किसान यूनियन के आकाश पटेल जी ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मतलब गांजा पुलिस पकड़ती है और 10 किलो पकड़ के 9 किलो बता 1 किलो बताती है, तो मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, किसी भी विभाग के ऊपर मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, बस मैं, लेकिन मेरी तो यही, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी
और माननीय मुख्यमंत्री जी देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अग्रसर हैं और लगे हुए हैं कि कैसे युवाओं का जीवन उजागर हो और कैसे भविष्य अच्छा हो। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि राम की नगरी है, कर्म भूमि है, पर नशे की बात आएगी, सब चपेट में आते जाएंगे, तो कैसे बनेगा चित्रकूट आपका बेहतर? लगे हुए हैं भाई साहब धीरे नहीं नशे को बढ़ाने में, क्या नशे को कंट्रोल करने में, अभी आबकारी विभाग से भी बात किए थे माननीय अध्यक्ष जी हमारे, तो उन्होंने भी बात की थी कि इसको जल्द से जल्द यहाँ खत्म किया जाए और जितना जल्दी हो सके चित्रकूट को नशा मुक्त किया जाए, और जहाँ भी वो उनके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ उनका सहयोग मिलेगा, जहाँ हम लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों का सहयोग मिलेगा। हम लोग युवाओं के लिए पूरी टीम के साथ एक दिन नशा मुक्ति अभियान चलाने का कार्य करेंगे। ये एक अच्छा प्रयास हो सकता है जो उज्ज्वल जी ने कहा कि युवाओं की टीम काम करेगी। अब ये भी एक बात देखने में आती है, मैं जैसे हमारे पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, कई सारा पॉलिटिकल कनेक्शन पे भी हमने रिपोर्ट लिखी थी कि नेताओं के कनेक्शन है, जो स्थानीय नेता है किसी को अगर नहीं कोई धंधा मिल रहा तो भाई गांजे की खेप चल रही है, कई अपने स्टिंग पकड़े भी थे जिसमें ये बात सामने आई थी कि बहुत बड़ा नाम है चुप हो जाओ। ये एक फाइनल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में नेताओं की एंट्री हो चुकी है इस बुरी सिंडिकेट में? हमेशा से रहा है जितने अवैध काम होते हैं हमेशा नेताओं के ही होते हैं, चाहे बालू का हो, चाहे दारू का हो, चाहे गांजे का हो, इसमें नेताओं का ही हाथ होता है। हैं पॉलिटिकल पार्टी जब तक नहीं आएगी तब तक ये धंधा सक्सेसफुल नहीं होता है, तो मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि नेताओं का इसमें हाथ रहता है। अगर नेताओं का हाथ नहीं है तो नेता आए खुलकर विरोध करें, विरोध करेंगे प्रशासन से लड़ें, कैसे बिकेगा गांजा, कैसे डिब्बे में भांग की जगह गांजा बिकेगा, क्या नेताओं को नहीं मालूम? सबको मालूम है, और यहाँ तक मैं उन नेताओं को भी कहता हूँ कि उनका आने वाला भविष्य भी कभी इस गांजे की चपेट में आ सकता है, उनका भी युवा जो है इस लत में पड़ सकता है, इसीलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि इसका विरोध करें और हम युवाओं को भी आगे बढ़कर इस गांजे का नशे का विरोध करना चाहिए। ये बात आपने सही कही, और मैं आपसे एक प्रश्न लूंगा क्योंकि नेताओं से मेरा भी निवेदन है कि उस वर्तमान को मत पालिए पोसिए जो आपके भविष्य को खराब कर दे, और ये युवा साथी जो भी चपेट में आ रहे हैं जिनका घर खराब हो रहा है आने वाले समय में आपके घर तक भी बात पहुंच सकती है। गणेश जी आप सामाजिक चिंतक है, मैं आपसे लास्ट प्रश्न ही पूछूंगा कि राम के नाम पर इतनी राजनीति, राम के चरित्र पर इतनी राजनीति और उसको आगे करके एक बहुत बड़ा भव्य समाज बनाने की कोशिश की जा रही है, अभी पहले चरण का काम भी खत्म हो गया है अयोध्या में, चित्रकूट को लिंकअप किया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर कोई ये कह दे कि चित्रकूट तो राम जैसा चरित्र जी ही नहीं रहा, चित्रकूट के लोग नशे में पड़ रहे हैं, चित्रकूट में ऐसा कुछ है ही नहीं जहाँ पर राम की नगरी की बात हो, तो फिर हम यहीं पर गलत अगर हो जा रहे हैं तो इसको कौन रोकेगा? ये भी सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है। देखिए पहले तो राम के चरित्र को लेकर के आपने जो बात कही है, तो राम का चरित्र तो उज्ज्वल चरित्र था और हम सबको सीखने वाली बात है, राम से सीखना चाहिए, हम कहाँ भटक गए ये हमें नहीं समझ में आ रहा। दूसरी बात, मैं सारे सत्ताधारी दलों में लगभग लगभग यहाँ सारे पार्टियों ने प्रतिनिधित्व किया है, बसपा सपा और भाजपा और अन्य जो भी दल हैं उन सब ने किया है, उन सबके मैनिफेस्टो आप पढ़ लीजिए, चित्रकूट को नशा मुक्त करने का कोई मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं। अभी मुख्यमंत्री आए थे, मैं ऐड करूंगा, मुख्यमंत्री जब आए थे परिक्रमा मार्ग में तो उन्होंने कुछ गुटखा की रैपर्स और जो बिक रहा था उसको देखते हुए उन्होंने पिछले कई एक दो वर्ष पहले जब शुरुआत उन्होंने काफी कड़ा इसमें नाराजगी जताई थी कि परिक्रमा मार्ग में ऐसा नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री की मंशा दिख रही है, ऐसे में चूक कहाँ हो रही, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, चूक हो कहाँ रही है? अगर मुख्यमंत्री जी की मंशा दिख रही है तो फिर वो अधिकारी कर रहे हैं क्यों नहीं रहे, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो मुख्यमंत्री जी की बात वजनता से अधिकारी नहीं ले रहे हैं, या तो अधिकारी इस बात को विषय को हवा में उड़ा रहे हैं, या तो सत्ता और खाकी और खद्दर ने साठ गांठ कर डाली, ये कहीं ना कहीं अंदर अंदर साठ गांठ है, खाकी का खद्दर से साठ गांठ है, तो इस कारण से भी इसको हवा में उड़ा दिया गया, वरना कोई बात मुख्यमंत्री जी कहे ना और प्रशासनिक अधिकारी उसको करे ना, मैं नहीं समझता, तो इच्छा शक्ति का अभाव है। चित्रकूट के नेता और बात क्यों नहीं करते हैं नशे मुक्ति की, बात क्यों करते, क्यों नहीं ये लोग करना चाहिए? चित्रकूट के नेता इनके पास अगर फेसबुक चलाने का टाइम है, इनके पास अगर घूमने का टाइम है, तो इनके पास ये कहने का टाइम क्यों नहीं है? आप किसी भी चित्रकूट के नेता का आप देखिए, आप चित्रकूट के सत्ताधारी हो या मैं किसी अन्य का, एक नेता का आप ज्यादा से ज्यादा, मैं दो चार दस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आध नेता बताइए जो सोशल साइट पर आते हो और नशा मुक्ति को लेकर के और आपको बेरोजगारों को लेकर के
यहाँ के रोजगार कार्यालय को लेकर के, यहाँ के बच्चे जो कूड़ा बीन रहे हैं उनको लेकर के, यहाँ पर भूख को भूख मुक्त चित्रकूट को लेकर के, जो छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल कूड़ा बीन रहे हैं, कभी उनकी कोई चिंता करता हुआ कोई नेता दिखाई दिया हो तो बताइए। सिर्फ ठंडी आती है कंबल बांट देते हैं, गर्मी आती है तो पानी पिला देते हैं, मुद्दे की बात होती है तो कुछ नहीं। जिस मुद्दे से इनकी कमाई होनी है, जिस मुद्दे से कमाई होनी है, उस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल हायताम मचा देते हैं। मुद्दे की बात करेंगे तो आप झूठे और आपको बहुत बड़ी संज्ञा भी दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मुद्दे की बात करेंगे तो आप ही दोषी ठहरा दिए जाएंगे कि नेतागिरी चमकाने आ गया। हम तो कह रहे हैं हमको कौन सी नेतागिरी करनी है, हमारे बाप दादा ने जो भी किया उसका फल हमको जनता में दिया है। हाँ, हम लोग गए थे, अब ये जो ओवरब्रिज बना हुआ है, गड्ढा मुक्त की बात होती है, गड्ढा मुक्त उसमें सरिया निकली, हम अभी गिरते गिरते बचा हूँ, पूरे सरिया निकली हुई है ओवर ब्रिज पे, और गड्ढा मुक्त की बात हो रही है। एक बात हो रही है ना, बात हो रही है गड्ढा मुक्त की बात, आपके कार्य मुख्यालय में ही है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर जनता की बात कर रहे हैं हम नशा मुक्त की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की, स्वच्छता दिवस है आज, मोदी जी का जन्मदिन है, पानी प्रधानमंत्री जी का, बस झाड़ू लेकर के हो जाएगा, फोटो सेशन हो जाएगा, अक्टूबर आने वाला है। तो क्या ये जैसे सभी लोग बैठे हुए हैं, उज्जवल जी भी हैं, आकाश जी भी हैं, मैं हूँ, गणेश जी और हेमराज जी हैं, सचिन जी भी हैं, 2 अक्टूबर में क्या कुछ प्रयास हम लोग सब कर सकते हैं? चित्रकूट के और लोगों को छोड़िए, एक प्रयास हो सकता है क्या हमारे द्वारा कि 2 अक्टूबर में हम नशा मुक्ति के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम, जागरूकता बात तो शुरू करनी पड़ेगी ना उज्जवल जी? जी बिल्कुल, आपका अच्छा प्रश्न है, और 2 अक्टूबर को हम अपने युवा मोर्चा की टीम की तरफ से एक नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत करेंगे, जो कि युवाओं के उनको एक सुझाव देंगे और अपना मतलब उनका मनोबल बढ़ाएंगे कि जहां हम लोगों की जरूरत पड़े वहां बताओ, लेकिन ये नशा छोड़ दो। तो अब सचिन जी के पास आते हैं और हेमराज जी अभी वीडियो को संभालेंगे थोड़ा सा। सचिन जी, ग्रामीण इलाके की रिपोर्टिंग करते हुए एक लंबा अरसा बीत गया है, कैसे नज़ारे हैं वहाँ पे, कैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कैसे गांजे का सेवन चल रहा है, कैसे शराब की स्थिति क्या है, बताइए पूरा। देखिए, गाँव की स्थिति हो चाहे शहरों की स्थिति हो, हर जगह जो है या अपने धर्म नगरी चित्रकूट का युवा नशे की गिरफ्त में है। एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से अपने जाल में नशे ने जो है फंसा लिया है युवाओं को, और युवा उस नशे में फंस चुके हैं पूरी तरह से। अब बात यह आती है, गांजा आता कहाँ से है, इसकी बात कभी कभी नहीं की जाती, ना नेता हो या पुलिस हो, पुलिस ये दिखा देगी कि यहाँ पे इतना किलो गांजा पकड़ा गया, और उसे गांजा तो पकड़ा गया लेकिन आया कहाँ से है, अब उसके जड़ तक पहुंचना चाहिए ना कि बंद कैसे होगा, अब इसी तरह दिखाने से थोड़ी नहीं बंद हो जाएगा। तो यही है कि पुलिस प्रशासन को चाहिए, नेताओं को चाहिए, जो समाजसेवी संगठन है उनको चाहिए कि जागरूकता अभियान चलाए, इसको कैसे रोका जा सके, इस नशे की लत से युवाओं को कैसे दूर किया जा सके, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता, चाहे वो नेता हो या अधिकारी हो या समाजसेवी संगठन हो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता है। अब आज देखें तो गली गली में जो है गांजा बिक रहा है, गली गली में शराब बिक रही है, तमाम तरह की नशा बिक रहे हैं, नशे के कई तरह के जो है, कई तरह के नशे हैं उनका जो है इस्तेमाल कर लोग जो है अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये एक विषय चित्रकूट का है, और हमने इस पूरी परिचर्चा में कई और नेताओं को, कई और सामाजिक लोगों को बुलाया था, समय ना होने के कारण या इस विषय को उन्होंने संजीदगी से नहीं लिया होगा इसलिए नहीं जुड़ पाए। फिलहाल जितने लोग जुड़े उन सभी का धन्यवाद है। हमने डॉक्टर पैनल में भी जोड़ने की कोशिश की थी, और मैं भी कोशिश करूँगा कि हमारे जो डॉक्टर पैनल में हैं जो शख्स वो अगर जुड़ते हैं तो हमें भी ऑडियो कॉल के द्वारा उनसे पूछना चाहेंगे कि कैसे दिक्कतें होती हैं ऐसे सेवन नशे के जो होते हैं। फिलहाल सबसे जो बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि भगवान राम की कर्मभूमि, और मैं ये कहूं कि उस वनवासी राम की छवि को निखारने वाला ये क्षेत्र है जिसने हमेशा सीखने की कोशिश की है, देने की कोशिश की है, त्याग तपस्या तमाम जो बिंदु रहे हैं व्यक्तित्व में वो उन्हीं के चरित्र में रहे हैं। ऐसी नगरी से हमें नशे को दूर करना पड़ेगा और उसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। अब इस विषय को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि जो हमारे जो डॉक्टर हैं जो जुड़ना चाह रहे थे, जो जुड़ पा रहे थे, कॉल अभी उनको नहीं लग पा रहा है, अगली बार कोशिश करेंगे कि उन डॉक्टर से हम जुड़ पाएं। फिलहाल मैं इस डिबेट को समाप्त करते करते गणेश जी से कोई एक लाइन वो बोलना चाह रहे हैं। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अभी पूरा चुनाव हम लोगों ने जिला पंचायत से लेकर के ग्राम पंचायत के चुनाव देखे, हर ऐसा कोई गाँव नहीं था, कोई गाँव ऐसा नहीं था जहाँ पन्नी पन्नी
पन्ना प्रमुख और पन्नी प्रमुख हर गांव में। अब पन्नी का इतना धड़ल्ले से प्रयोग हुआ कि पिछली वर्ष आपने सुना होगा खबरों में कि छोटे छोटे नवनिहाल बच्चे राजापुर तरफ के अवैध नशीली शराब जहरीली शराब जहरीली शराब को लेकर के मर गए बच्चे। बड़ा भीषण कांड था और इसके बाद भी सरकार यहाँ नहीं चेत पाई, या कह लीजिए कि आम जनमानस को हम कन्विंस नहीं कर पाए, इस नशा से हम नहीं मिटा पाए। तो सबसे पहले निवेदन है कि प्रत्येक राजनीतिक दल से पहली मांग हमारी होगी कि इस बार उनके मैनिफेस्टो में चित्रकूट का जो मैनिफेस्टो होगा उस चित्रकूट के मैनिफेस्टो में पहली बार नशा मुक्त चित्रकूट, नशा मुक्त चित्रकूट जब हम रखेंगे तो हम देखेंगे कि कितने राजनीतिक दल सामने आते हैं, कितने राजनीतिक दल इस मुहिम में अपना सहयोग देते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा उज्ज्वल जी को कि जिन्होंने बेबाकी से स्वीकार किया है कि हाँ हम अगली बार 2 अक्टूबर को नशा मुक्त अभियान चलाएंगे, हम लोग से जो आवश्यकता होगी सहयोग होगा, आप हमें शहर स्वीकार बुलाइए, हम आपके साथ हैं, नहीं भी बुलाएंगे तो भी हम आपके साथ हैं। तो हमारे साथ जो हमारे डॉक्टर पैनल में जो एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं जिले के, डॉक्टर शशांक अग्रवाल, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑडियो कॉल में, क्योंकि बहुत सारा जो बीमारियां चल रही हैं, बहुत सारे जो तकलीफें चल रही हैं लोगों को, उसके कारण समय उनको नहीं निकल पाया, लेकिन वो जुड़े हैं। डॉक्टर साहब आपसे ये प्रश्न, हम परिचर्चा के दौरान ये हमारा एक प्रश्न आया कि ये जो गांजे का सेवन है या जो सस्ता नशा है जिसकी गिरफ्त में लगातार युवक आ रहे हैं, आपके पास केसेस भी आते होंगे, तो किस तरीके का नुकसान है इससे? लॉन्ग टर्म में तो इससे जो है बिहेवियर चेंजेस, जैसे गुस्सा आना, जो काम आप कर रहे हैं वो काम डिले करना, उस काम में मन ना लगना, ये सारी चीजें आती हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है और वो गांजे का सेवन कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो डिले करता जाएगा। बिहेवियर चेंजेस मेन आते हैं जी, तो है ना, पता चला कि नॉर्मल बात कर रहा है, अचानक उसको गुस्सा आने लगा, लड़ाई करने लगा। लॉन्ग टर्म में इसके क्या कहते हैं, आपका चेस्ट में बहुत खराब हो रहता है, लोगों को टीवी भी हो सकता है इससे, रेगुलर यूज से। कुछ मामलों में डॉक्टर साहब ये देखा गया, जैसे हमने स्टिंग भी किया था, कि बच्चे सेवन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि 8 से 10 साल के, और बहुत लाइटली, जैसे अब मान लीजिए 20-30 रुपए का मिल गया, ये कितना नुकसानदेह होने वाला है, क्योंकि बच्चे तो बहुत नौनिहाल होते हैं, छोटे होते हैं, एक तरह से हमारे भविष्य की पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ये भविष्य की पीढ़ी जो या तो कुछ भी काम करे, चाहे एजुकेशन के उसमें करे, चाहे एज अ लेबर करे, या किसी भी फील्ड में वो जाए, वो किसी काम का नहीं बचता है। सही है। तो क्या क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे, बतौर एक डॉक्टर या बतौर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्हें लोग कम से कम अपने रोग के दौरान तो ये मानते ही हैं कि आप भगवान हैं, तो कुछ सुनना चाहेंगे लोग अगर, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ के लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं है, और सबको पता है कि अगर हम पी भी रहे हैं या हम यूज भी कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या सजा होगी, तो इसकी थोड़ा सा कुछ इसमें सजा हो। लोग अब हमारा थोड़ा पिछड़ा इलाका है अपना चित्रकूट का, तो यहाँ पे लोग घर में ही उगा लेते हैं और उसको यूज करते रहते हैं, तो कुछ स्ट्रिक्ट लॉज होना चाहिए कि इसको जो है मतलब बो ही ना पाए या उसको उगा ही ना पाए, उसके स्ट्रिक्ट लॉज होना चाहिए। एक दो बार किसी को पनिशमेंट मिलेगी तो बाकी लोग उसका एग्जांपल फॉलो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अमूल्य समय हमें दिया। तो कुल मिलाकर के ये अपील है सभी की, डॉक्टर्स की, सामाजिक चिंतक की, पॉलिटिकल जो जो युवा साथी हमारे हैं, जो किसान नेता हैं, जो पत्रकार हैं, सभी लोग ये चाहते हैं एक सुर में, हमारी टीम भी ये चाहती है, सभी लोग चाहते हैं कि चित्रकूट में इस सस्ते नशे को जो बहुत इजिली अवेलेबल हो रहा है, जो धीरे धीरे मारक क्षमता को बढ़ा रहा है और एक जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रहा है, लॉन्ग टर्म में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लॉन्ग टर्म में बड़े घाटे होने वाले हैं, और कोविड के बाद अगर बच्चे युवा साथी इसका सेवन कर रहे हैं तो बहुत बड़ा विषय चित्रकूट के लिए। हम अपील करेंगे इस डिबेट के माध्यम से कि रोका जाए, समाज को एक होना होगा, पुलिस को काफ़ी बंदिशें करनी पड़ेंगी, और अब ये कहने से काम नहीं चलने वाला कि ये हो रहा है तो हम रोक नहीं सकते, जो करना चाहेगा वो करेगा। दूसरा, नेताओं से अपील है कि छोटे छोटे ऐसे मुद्दे जो आपकी शख्सियत को ख़राब करते हैं, समाज के वो मुद्दे जो ज्वलंत हैं, अगर उन पर आप काम करें, उन पर अगर बात करें तो बहुत उचित होगा, स्वागत होगा आपका। और आपसे अपील यही है कि समाज के ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, नशा, रोजगार
और तमाम वो मुद्दे जो युवाओं से जुड़े हैं सीधे उन पे बात करने की ज़रूरत है। अपील हमारी है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी। धन्यवाद इस पूरी परिचर्चा में जुड़ने के लिए। मिलते हैं किसी एक नए मुद्दे के साथ नए दिन, और फिर से शुरुआत करते हैं चित्रकूट को एक करने के लिए। उज्ज्वल जी को नए दायित्व की बधाई, और हमारे जो किसान नेता हैं आकाश जी को उनके नए कार्यों के लिए बधाई, जन एक्सप्रेस की पूरी टीम को बधाई जो लगातार गांजे के लिए लिख रही है, गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक समय दिया, स्थान दिया, और आगे की जो उम्मीदें हैं आप सभी का धन्यवाद कि उन उम्मीदों को आप देखने के बाद बरकरार रख रहे हैं। शेयर इसलिए करिए दूर दूर तक क्योंकि चित्रकूट का बहुत संजीदा विषय है। राम तब तक नहीं सार्थक होंगे जब तक नशा मुक्त नहीं होगा चित्रकूट। बहुत धन्यवाद अनुजनमत, आपके साथ हम सब जुड़े थे, बहुत धन्यवाद।